हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक का कार्ड। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज या करंट फीलिंग्स या थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। दो पाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पर, पाइल पिंक और ब्लू। आपको जो भी पाइल चूज करना आप चूज कर सकते हो टू नो द आंसर। इसमें मैंने मैसेजेस कार्ड्स भी इंक्लूड किए हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और एक ओरेकल कार्ड भी इंक्लूड किया है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं पायल पिंक से। सो देखते हैं जिन लोगों ने पिंक पायल चूज़ किया, आपके पर्सन की, जो भी आप पर्सन जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेट्स फाइंड आउट कि उनकी करंट एनर्जीज करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि मेक श्योर कि आप एक पायल एक इंसान के लिए देखो, दोनों पायल एक इंसान के लिए नहीं चेक करो। अगर कोई और पर्सन है जिसके बारे में आप उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो तो देन आप दूसरी पायल चेक कर सकते हो, लेकिन एक इंसान के लिए एक ही पायल चूज़ करो। सो या स्टार्ट करते हैं पिंक वाली पायल से। देखते हैं जिन लोगों ने पिंक पायल चूज़ किया आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। लेट्स फाइंड स्टार्ट करते हैं टैरो से पहले। लेट्स सी के आपके पर्सन की करंट एनर्जीज करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। द हर्मिट, नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, चाहे आपकी बात हो रही है इस इंसान से चाहे नहीं हो रही, लेकिन ये इंसान आपके बारे में डेफिनेटली पॉजिटिव सोच रहा है, आपके साथ फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोच रहा है। उसको कहीं ना कहीं, अगर आपका पुराना कनेक्शन भी है और अगर कम्युनिकेशन नहीं थी या है भी और अगर थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो रही है, जो भी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं उसके दिल में आपको लेकर पॉजिटिव ख्याल आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर उसने आपको छोड़ दिया था पहले या कनेक्शन एंड हो गया था, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके बारे में जो है वो बातें आपकी शायद उसको यू नो आपकी तरफ खींच रही है, या फिर कुछ ऐसा उसके माइंड में आ जाता है जो कि उसको आपके बारे में यू नो रिमाइंड करवाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद अगर वो अपनी लव लाइफ में कुछ आगे लेके जाना चाहे तो वो शायद सिर्फ आपके साथ ही पॉसिबल हो सकता है। सो उस तरह की एनर्जी की कुछ पॉजिटिव सोचा जा रहा है आपके पर्सन के एंड से आपके लिए, आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसके लिए। शायद हो सकता है आपका कनेक्शन यू नो आपके कनेक्शन में आपके पर्सन ने कभी भी इस कनेक्शन की पोटेंशियल को अंडरस्टैंड ना किया हो। राइट नाउ हो सकता है विद द हर्मिट कार्ड उसको अब इस कनेक्शन में होप नज़र आ रही है, अब उसको इस कनेक्शन में यू नो लग रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है, या हो सकता है कि उसने अपनी लाइफ में और एक्सपीरियंसेस किए हों और उसको कभी भी वो फीलिंग नहीं आई जो आपके आपको लेकर या आपके साथ उसके जहन में आती थी। तो हो सकता है कि उन चीज़ों की वजह से, उन बातों की वजह से अब वो आपकी तरफ जो है वो पुल फील कर रहा है, वो सोच रहा है कि यू नो मे बी यू नो आप उसके लिए राइट चॉइस हो सकते हो। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर है उसके लिए, उसके दिल में आपके लिए। और मुझे लगता है कि कहीं यू नो जब जितना ज़्यादा वो सोचेगा, जितना ज़्यादा वो यू नो अपने लिए टाइम लेगा और डिसाइड करने के लिए कोशिश करेगा, तो वो उतना ही आपके करीब आएगा। जितना ज़्यादा यू नो इस इंसान के पास वो फ्री टाइम होगा जहाँ पे ये कॉन्टेम्पलेट करे, सोचे, यू नो कंपैरिजन करे शायद आपका विद अदर वुमेन अदर मैन, उतना ज़्यादा इसको आपकी तरफ पुल ज़्यादा फील होगा। क्योंकि आप जो इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ रहे हो या आप जो इस कनेक्शन में इस इंसान को दे सकते हो, वो ये इंसान कभी भी किसी और के साथ नहीं हासिल कर सकता। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में उन चीज़ों को लेकर आपके लिए जो है एक वैल्यू जो है वो डेफिनेटली बढ़ रही है, पोटेंशियल भी इस कनेक्शन को लेकर उसको दिख रहा है। अगर आप इस इंसान से ऑलरेडी बातचीत कर रहे हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं कि यू नो आपकी कही हुई बातें, आपकी कही हुई आपकी यू नो इट्स मोर लाइक यू नो जैसे आप अगर आप इससे मिलते हो या अगर आप इससे फ़ोन पे बात करते हो या अगर आप इससे मैसेज पे बात करते हो, तो कहीं ना कहीं जब आपकी बात ख़त्म हो जाती है तो ये इंसान आपकी कही हुई बातों को, मैसेजेस को सोचता है और उसको रिलेट करने की कोशिश करता है फ्यूचर से। सो मेक श्योर कि यू आर एक्टिंग योर बेस्ट और बीइंग योर बेस्ट आई वुड से। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको यू नो एक तरह से यू नो आप देखते हो कि हाँ ये पर्सन यू नो अगर ये पर्सन बाद में ऐसे रिएक्ट करेगा तो ऐसे होगा वैसे होगा, तो उस तरह की सोच मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को लेके फ्यूचर के बारे में सोचते हुए बेसिकली इट्स मोर लाइक कि जैसे आपको परख रहा हो या आपको टेस्ट कर रहा हो कि
आप उसके लिए अच्छे पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हो कि नहीं हो सकते. तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है आपके पर्सन की राइट ना, आपको लेकर अच्छा सोच रहा है, अच्छा फील कर रहा है आपको और आपके कनेक्शन जो उसके आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसको लेके काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहा है. कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता जितना ज़्यादा ये सोचेगा लाइक आई सेड, उतना ज़्यादा इसके दिल में आपके लिए प्यार फीलिंग्स इमोशन जो हैं बढ़ेंगे. और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इसको रियलाइज़ होगा कि आप ही इसकी यू नो जो ये हमेशा से डिज़ायर करता था कि मेरा लाइफ पार्टनर या मेरा लवर या मेरा बॉयफ्रेंड हस्बैंड गर्लफ्रेंड जो भी यू नो अपने फ्यूचर में अपनी लव लाइफ में चाहता था, आप बिल्कुल वैसे हो. तो मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लग रहा है काफ़ी स्लो चेंजेस है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस इंसान के दिल में अल्टीमेटली एक फीलिंग आएगी जहाँ पे इसको रियलाइज़ होगा कि यू आर द वन फॉर देम. सो ओरेकल कार्ड देखते हैं पहले. बिलव्ड वन, I am helping you with your spiritual soulmate relationship. Angels, heavens and earth and everything in the universe is basically मुझे लगता है कि आपको help कर रही है इस connection को उस जगह पे लाने के लिए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ आ सको. तो कहीं ना कहीं आपका soulmate relationship है जहाँ पे you are being helped इन वन वे और द अदर. अगर आपका ये पास्ट पर्सन भी है और अगर करंट पर्सन भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको हेल्प कर रही है कि उसके दिल में आपके लिए जो है वो प्यार पैदा हो और वो आपकी तरफ वापस खिंचा हुआ आए और आपको आपकी वर्थ वैल्यू को रियलाइज़ करे. तो कहीं ना कहीं आप शायद कुछ नहीं कर रहे होगे राइट नाउ, लेकिन आपके हो सकता है अगर आप यू नो स्पिरिचुअली अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन फिजिकल एफर्ट शायद आप नहीं कर रहे होगे और यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, यू नो आपका गॉड आपको हेल्प कर रहा है और चीज़ें आपकी आप दोनों के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगी. जितना ये इंसान के पास ज़्यादा टाइम होगा सोचने का, उतना आप दोनों के कनेक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. मैसेजेस देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के लिए. अगर तो ये पास्ट पर्सन है उसके मैसेजेस, और अगर यू नो करंट पर्सन है तो उसके मैसेजेस मिक्स भी हो सकते हैं. सो लेट्स सी. मैं यूजली लेकिन इस वाले डेक को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे यू नो एक्सेस के लिए जो है मैसेजेस के लिए उसके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा सूटेबल होते हैं, बट स्टिल आप दोनों को कंसिडर कर सकते हो. यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो. हो सकता है कि जब आप लोगों का कनेक्शन अगर स्पेशली ये पास्ट पर्सन है तो हो सकता है कि इसके लिए काफ़ी टफ रहा हो ये डिसीजन लेना कि आपसे दूर होना है या कनेक्शन ख़त्म करना है. बट देन इट वॉज मस्ट ताकि वो आपकी आपके कनेक्शन को रियलाइज़ कर सके. तो कहीं ना कहीं उसको आपको खोने के बाद शायद रियलाइज़ हुआ या आपके दूर जाने के बाद उसको रियलाइज़ होगा आपकी वर्थ का और कनेक्शन की वर्थ का. आई वॉन्ट टू बी मोर देन जस्ट फ्रेंड्स. अब मुझे लगता है कि अब वो शायद इस सिचुएशन में रेडी है जहाँ पे उसको अपने और आपके दरमियान में सिर्फ फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए इस कनेक्शन में. तो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिव यू नो एनर्जी है आपके पर्सन की आपके लिए. मे बी वी आर सो डिफरेंट बट मे बी वी कुड स्टिल मेक इट हैपन. हो सकता है कि अब यू नो जो चीज़ें आप पहले उसको बोलते थे शायद आप उसे कहते होगे कि हम यू नो हम डिफरेंट हैं. हो सकता है वो कहता होगा आपको आपका पर्सन कि हम यू नो वी कैन नेवर मेक इट हैपन क्योंकि हम दोनों तो बहुत डिफरेंट हैं, हमारे पर्सपेक्टिव्स मैच नहीं करते, ये मैच नहीं करता, वो मैच नहीं करता. लेकिन अब मुझे लगता है कि वो भी आपकी ज़ुबान बोलना शुरू हो गया है कि आपका पर्सन अब आपसे कहेगा कि यू नो चाहे हम डिफरेंट हैं बट स्टिल मुझे लगता है कि हम थिंग्स को वर्कआउट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. तो मुझे लग रहा है कि बेसिकली शायद रोल रिवर्स हो जाएंगे आपके कनेक्शन में, विच इज़ अ गुड थिंग. लेट्स सी मोर कार्ड्स. आई लव द वे यू लव मी, इट फील्स सो राइट. इस इंसान को आप जिस तरह से प्यार करते हो लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लग रहा था कि इट्स द सेम थिंग कि उसको जो आप उसको प्यार कर सकते हो उसको कोई और नहीं कर सकता. तो दैट्स गोना ब्रिंग दिस पर्सन टू द पॉइंट जहाँ पे उसको रियलाइज जब हो जाएगा 100%ली, तब वो मुझे लगता है कि उसको आप ही दिखोगे सिर्फ. और ये फीलिंग जो उसको होती है जब आप यू नो बीइंग लव्ड बाय यू, वो इज़ मैचलेस. आई कांट वर्ड माय ट्रू फीलिंग्स फॉर यू. मुझे लगता है कि आपका पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं होगा इसलिए वो अक्सर जो आपके लिए फील करता है वो कह नहीं पाता. तो उसको उसके लिए एक्सप्रेसिव होना काफ़ी मुश्किल है. बट मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव डेफिनेटली आपका पर्सन सोच रहा है. और अगर तो आप दूर हो इस इंसान से तो बहुत जल्दी आप लोगों का रिकन्सिलिएशन भी होगा और आपकी विश डिज़ायर भी पूरी होगी इस इंसान के साथ. अगर आप इस इंसान के साथ हो ऑलरेडी तो मुझे लगता है कि आप ग्रेजुअली आपका कनेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव उस डायरेक्शन में ही जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आप उस जगह पे आओगे जहाँ पे आपकी विश पूरी हो जाएगी इस इंसान के साथ. सो ये थी रीडिंग जिन्होंने पायल पिंक चूज़ किया. लेट्स मूव ऑन टू द ब्लू पायल. देखते जिन लोगों ने ब्लू पायल चूज़ किया, लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है. पहले टैरो से चेक करते हैं, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स और मैसेज कार्ड्स देखेंगे. सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वांड्स. आपका पर्सन राइट नाउ मुझे लग रहा है कि गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आपको लेके वो उसको इग्नोर कर रहा है. रेडी नहीं है राइट नाउ, प्रिपेयर्ड नहीं है राइट नाउ.
जो भी आप दोनों का कनेक्शन है उसमें वो जो जो कनेक्शन जैसा है उसको वैसा चलाना चाह रहा है, उससे आगे नहीं लेके जाना चाह रहा है. यू नो इवन दो अगर अगर तो आप सेपरेट हो चुके हुए हो तो तब भी मुझे लगता है कि वो एफर्ट नहीं करेगा रिकनसाइल करने की, क्योंकि उसको जिस लेवल पे कनेक्शन चाहिए शायद उसको पता है कि आप उस लेवल पे नहीं आओगे. आपको ज़्यादा चाहिए, आपके पर्सन को ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको चीज़ें स्टेबल रखनी है जैसे राइट नाउ है. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन इवन उसको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस आ रहे होंगे, उसको यू नो यूनिवर्स माई हैव बीन ट्राइंग टू गाइड दिस पर्सन टूवर्ड्स यू, लेकिन वो भी वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से फेल कर रहा है या फिर करना ही नहीं चाहता अंडरस्टैंड. यू नो ये भी हो सकता है. राइट नाउ वो प्रिपेयर्ड नहीं है कनेक्शन को आपको लेकर नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपका पर्सन बेसिकली यू नो इस कनेक्शन को लेकर कोई एक्शन लेना नहीं चाहता. यू नो इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी, जहाँ पे अगर आप इसे एक्सपेक्ट करो कि हाँ कुछ कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ रहते हुए, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये रेडी नहीं है. एक 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 यू नो एक होता है ना कि आप एक कनेक्शन में जब होते हो, इफ़ यू लव द पर्सन, इफ़ यू लाइक द पर्सन, या एक आपको आपको उस तरह की यू नो एक एनर्जेटिक आपके अंदर वाइब होती है टुवर्ड्स द पर्सन, वो इस इंसान में मिसिंग है. तो काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि हो सकता है कि ये अभी करंटली ऐसा फील कर रहा हो सकता है लेटर ऑन चेंज हो जाए, बट करंट एनर्जीज की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ एज सच विलिंग है इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए. तो अगर स्पेशली अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका हुआ है या यू नो सेपरेट हो एक दूसरे से, तो मुझे लगता है कि आप इस इंसान से कोई मैसेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आपको खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा. हाँ अगर आप इसे कांटेक्ट करोगे और अगर आप इस पे एग्री करते हो कि जो ये देना चाह रहा है कनेक्शन में सिर्फ उस पे ही उस लिमिट तक ही रहो, देन दैट पर्सन विल बी हैप्पी. लेकिन राइट नाउ उससे बढ़ के ये देने के लिए कुछ भी रेडी नहीं है. सो मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है, चाहे ये आपके साथ इसको अच्छा लगता है, पसंद हो आप इसे ये, लेकिन एक एक जिद कह लो या एक अभी फिलहाल एक ब्लॉक कह लो जिसने खुद पे इम्पोज किया हुआ कि नहीं अभी लव लाइफ को उस तरह से कंसिडर नहीं करना. हाँ एज लॉन्ग एज इट इज़ फन हैप्पी और ये वो उस तरह से तो इट्स फाइन, लेकिन जहाँ पे इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात आती है उसके लिए बिग नो इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन. सो राइट नाउ लव को इसने क्रॉस किया हुआ है अपनी लाइफ में आपको लेकर, या किसी भी तरह के रिलेशनशिप को लेकर वे पर्सन कभी रेडी नहीं होगा. एटलीस्ट फॉर नाउ उसकी एनर्जी ऐसी है कि ये रेडी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर किसी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए नहीं, उस तरह से रेडी नहीं है. लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या है. पीस कम्स फ्रॉम रिमेम्बरिंग दैट ओनली लव इज रियल. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जिन्होंने ब्लू पाइल किया चूज़ किया, आप खुद शायद खुद भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यू नो एक एंगजाइटी जैसे होने लग जाती है कि कनेक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ा. हो सकता है कि आप उन सारी चीज़ों से फेस कर रहे हो राइट नाउ, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर सकते हैं. यू आर फ्लैट यू नो फ्लैपिंग योर विंग्स राइट नाउ टू गेट द अटेंशन, टू गेट द लव. आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. यू नो द मोर यू आर पीसफुल फ्रॉम विदन, उतना ज़्यादा आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं. जितना आप ज़्यादा फ्लैप करोगे अपने विंग्स टू गेट द अटेंशन, टू गेट वॉट यू वॉन्ट, चेज करोगे चीज़ों की, उतना चीज़ें आपसे दूर भागेंगी. और वही लग रहा है यहाँ पे इस कार्ड के हिसाब से. मुझे लगता है कि यू नीड टू काम योर सेल्फ डाउन. यू नो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी थोड़ा एक तो नीचे लेकर आओ, अपने आप को भी थोड़ा काम करो, ज़्यादा सोचना छोड़ दो इस इंसान के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, फ्यूचर के बारे में. स्पेशली अगर आप स्मूथली कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हो, दो चीज़ें आप कर सकते हो. या तो आप एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ड्रॉप कर दो जीरो लेवल पे, दूसरा आप भी गो विद द फ्लो करो, तीसरा आप इस इंसान को छोड़ दो. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ, क्योंकि आपकी एनर्जी शायद इज़ लाइक यू नो इस कार्ड के हिसाब से, इसमें तो आपकी एनर्जीज दिख नहीं रही है, लेकिन इस कार्ड के हिसाब से लग रहा है कि जैसे आप शायद यू आर सो ओवर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, इसीलिए ये पर्सन उतना ही उन चीज़ों को यू नो ब्लॉक कर रहा है अपनी अपने अपने अपनी यू नो उस चीज़ से, अपनी वाइब से. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स कि आप या इस तरह की कोई भी चीज़ जो उसको लगे कि एक प्रेशर बन रही है या एक बर्डन बन रही है उसको, वो ब्लॉक करेगा. सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपको इस चीज़ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर थोड़ा काम डाउन करने की ज़रूरत है. और अगर आप इससे सच में प्यार करते हो तो आपको फियर, या यू डोंट हैव टू फ्लैप योर विंग्स ना. देखो आप इसे प्यार करते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, तो लेट द होल थिंग बी एक्चुअली. और अगर आपको यकीन है, अगर आपका प्यार इतना स्ट्रांग है और अगर आपको यकीन है कि ये होगा तो वो हो जाएगा. यू नो इफ़ यू आर मेंट टू बी यू विल बी. लेकिन उसके लिए एक इनर एक पीस मस्ट है. अगर आप इस तरह की एक यू नो एक अजीब किस्म की बेचैनी और रेस्टलेसनेस
और इस तरह की नेगेटिव इमोशन के साथ इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहोगे तो मुझे लगता है कि यू विल फेल, क्योंकि कहीं ना कहीं इनर पीस इज़ अ मस्ट हेयर, और कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ को लव के पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, जहाँ पे राइट नाउ शायद आप मिस कर रहे हो क्योंकि आपका पर्सन गिवन नहीं कर रहा कनेक्शन के अंदर, और वो चीज़ आपको और ज़्यादा यू नो इरीटेट कर रही होगी, अनॉय कर रही होगी, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अनहेल्दी. तो मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन की वाइब या आपके पर्सन की वाइब टूवर्ड्स यू इज़ आइडियल. बहुत कुछ है इस कनेक्शन में लेट गो करने वाला, शायद कनेक्शन ही लेट गो करने वाला हो, क्योंकि अगेन अगर आप वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप अगर दिस इज़ समथिंग दैट यू नो जो मुझे फील हो रहा है इस कार्ड से, अगर ऐसा है तो यू नो आपका नेक्स्ट कनेक्शन भी नहीं चल सकता अनटिल अनलेस यू बिकम रिलैक्स. यू नो आपको कनेक्शंस को लेके इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन आपकी पूरी लाइफ नहीं बन जाना चाहिए ये पर्सन, ये रिलेशनशिप. इट हैज़ टू बी लाइक यू नो बैलेंस्ड. जहाँ पे बैलेंस आउट होगा वहाँ पे ये सब तो होगा. सो मेक श्योर कि यू आर नॉट डूइंग दैट मिस्टेक. लेट्स सी अगर आपका एक्स है तो उसके मैसेजेस क्या हैं. यूजली आई कॉल ये वाला जो डेक है मेरा, इसको मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक्स का डेक है, बट ये आपके करंट पर्सन का भी हो सकता है. बट स्टिल आप जो यू नो ये वाले मैसेजेस हो सकता है आपके करंट पर्सन के, हो सकता है एक्स के हो. सो जो जिस तरह से भी आपको यू नो आपको अपने हिसाब से देखना आप कर सकते हो, इन मैसेजेस को ले सकते हो. आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू. मुझे लगता है कि पर्सन आपसे थोड़ा डिटैच होना शुरू हो चुका है या होना चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वाइब आती है कि आप शायद आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये पर्सन रेडी नहीं है. आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे. शायद आपके पर्सन ने आपसे पुल अवे कर लिया इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं ये जो यू नो एक हैवी वाइब आती है आपके एंड से उसकी तरफ, उन चीज़ों से वो आपको दूर कर रहा है. अगर आप खुद अपने आप को थोड़ा दूर कर लोगे ये इंसान नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका कनेक्शन जो है वो सही रास्ते पे डेफिनेटली नहीं है. लेट्स सी मैसेजेस दूसरे वाले. आई डोंट नो इफ आई कुड मीट योर एक्सपेक्टेशंस. द सेम मैसेज. मुझे लगता है कि आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी हुई हैं, और इसके पास फिलहाल देने के लिए कुछ भी नहीं है अदर देन मे बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या उस तरह का कनेक्शन. उससे ज़्यादा बढ़ के आपको फिलहाल कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आप शायद कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हो इस इंसान से या कर रहे थे, जिसकी वजह से इसने आपको पुल अवे कर दिया, पुश अवे कर दिया है. आई ट्राई फाइंडिंग यू इन एवरी वन आई मीट. ये पर्सन आपको लाइक करता है, लेकिन शायद इसको चीज़ें आगे ले जाने की वो ज़रूरत ना तो फील हो रही है, ना ही शायद इसके पास उन चीज़ों का भी वक्त है. यू नो मे बी इस इंसान को टाइम चाहिए, लेकिन शायद आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो. आपको चीज़ें आगे बढ़ानी है, इस इंसान को रुकना है. सो इट्स मोर लाइक ए मिस मैच है आप दोनों के दरमियान में. इवन तो ये पर्सन आपको लाइक करता है, और शायद अगर ये मूव ऑन करने का अगर आप डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में, हो सकता है इसने एक दो दफ़ा मूव ऑन करने की कोशिश की, और हर पर्सन जिससे भी मीट किया इसने हो सकता है कि आपको आपको ढूंढने की कोशिश की हो उस इंसान में, लेकिन दैट पर्सन कुडंट फाइंड यू इन दैम. सो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप इस इंसान को प्यार करते हो, तो मे बी यू कैन सॉफ्टन देयर हार्ट अप, या यू कैन यू नो मेक देम कम बैक टू यू, या आप कोशिश कर सकते हो कि आप इनकी पर्सपेक्टिव्स अंडरस्टैंड करते हुए चीज़ों को स्लोली लेके चलो और देखो कहाँ जाती हैं. बट आपका डिसीजन है. लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है ये पर्सन, ये कनेक्शन, तो इट्स बेटर कि आप इस कनेक्शन को एंड कर दो, क्योंकि वाइब इतनी कोई खास नहीं है राइट नाउ. नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन एवर रिप्लेस यू. मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों का या तो ब्रेकअप हो चुका हुआ है या फिर होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वाइब जो कनेक्शन की है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है. लेकिन इस कनेक्शन में लव ज़रूर है, बट एक वो चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग जो है और एक्सपेक्टेशन जो है वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो है जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से जो अवेलेबल है चीज़ कनेक्शन के अंदर वो बहुत लो है. एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई. सो इस वजह से मुझे लग रहा है कि एनर्जी ऑफ द कनेक्शन इज़ बैड. सो या ये थी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय.